अचानक पूरे राज्यों में अनाज की कमी। राज्य के सभी जिलों में आरएनसी यार्ड, सब्जी मंडी सब बंद पड़े हैं, सब खाली हो गए हैं। बहुत कम दुकानों में स्टॉक होने की वजह से भाव बढ़ाकर सामान बेचा जा रहा है। इसकी आखिर वजह क्या है, उसका अभी तक पता नहीं चला है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कूली मजदूर रोड पर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं इस बारे में लोगों की क्या सोच है। एक हफ्ते से लोड नहीं हुआ, यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। इन किसानों को क्या हो गया, पता ही नहीं चल पा रहा है। हमारे पास न तो खाना है न जेब में पैसा है, हम तो गांव छोड़कर चले आए हैं यहाँ मरने के लिए। शहर में अनाज के भाव बढ़ने से लोग परेशान हो गए हैं। सर 3 दिनों से भूखे हैं सर, पानी पी पी के दिन काट रहे हैं। राशन भी नहीं है, खाना भी नहीं है। जो भी भूखा आता है उसे कोल्ड ड्रिंक और पानी हम अपने रेट से ही बेच रहे हैं। नाश्ता तैयार है क्या? हफ्ते भर से कोई सब्जी तरकारी नहीं आई है, तो क्या पकाऊं? लीजिए पानी पीजिए। ये भी क्यों, ऐसे ही मरने दो। भाई खाने में कुछ है क्या? खाने में क्या है? है ना, पेपर डोसा है, प्लास्टिक चिप्स है, इसे खा के फ्री में पानी पी लो। ए क्या है, एक हफ्ते से राशन नहीं आया, मैं अपने बीवी बच्चों को लेके परेशान हूँ और तू मुझसे आके खाना मांग रहा है। बोर्ड क्यों लगाया हुआ है? दुकान बंद करो, घर जाओ। हॉस्पिटल में कंडीशंस बहुत ही क्रिटिकल है, सब बहुत तकलीफ में है, स्पेशली ओल्ड एज पीपल, चिल्ड्रन एंड ऑल प्रेग्नेंट वीमेन। हमारे पास थोड़ा ग्लूकोज है, उससे हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कब तक? मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हम जनता के कष्ट को समझिए, अनाज दीजिए, उन्हें बचाइए और इस मुसीबत को खत्म कीजिए। अनाज के लिए लड़ाइयाँ, दाने दाने के लिए मोहताज जनता। यार अचानक ऐसे हो गया, इसकी वजह क्या हो सकती है? हमारे सारे मंत्री क्या कर रहे हैं? अचानक अनाज का भाव इतना बढ़ने की आखिर वजह क्या है? हमें गांव से मिली हुई एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक छोटी सी जमीन के लिए झगड़ा शुरू हुआ था, उस गांव के गौड़ा की वजह से एक फैमिली ने आत्महत्या कर ली है। उन लाशों को लेकर बेंगलुरु में समाधि बनाने के लिए सभी किसान एक साथ हो गए हैं, मगर सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया और इन सब के पीछे वही व्यक्ति हो सकता है जिसने धरना प्रदर्शन किया था। अभी अभी हमें पता चला है कि 20 दिन पहले फ्रीडम पार्क में जिसने किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन शुरू किया था, इसके पीछे उसी का हाथ है, जिसका नाम है शिवराज। क्या चल रहा है आपके राज में? कुछ भी तो नहीं सर। क्या है आखिर उस लड़के की समस्या? साहब जी आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, कैसे भी हो इस समस्या का समाधान करिए। अरे ये कौन शिवराज है, इसे कोई काम धंधा नहीं है क्या? सरकार भी आलसी है, इसकी वजह से हमें भूखा रहना पड़ रहा है यार। ये सरकार जब से आई है ना तब से हर चीज के भाव बढ़ा दिए, हमें गू खाना पड़ रहा है। अनाज के कमी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उसकी वजह है किसानों का हीरो, जनता का विलन शिवराज। कल वो हमारे साथ होंगे लाइव टेलीकास्ट में। सवाल आप पूछेंगे, वो जवाब देंगे। विलन हीरो बनेगा या हीरो विलन बनेगा, देखते हैं। उनका मकसद क्या है? देखिए सीएम साहब, हमें अपने जिले में कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, फंड नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए सबको। अगर खाना नहीं दोगे तो वो वोट नहीं देंगे। राजनेता की जगह एक किसान बन जाता तो एक टाइम का खाना तो मिलता ना। सर आपकी फीस, ये आपका पैसा किसको चाहिए? मेरे पास भी पैसे रखे हैं, तुम ले लो। मेरे बीबी बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, कहीं से भी राशन अरेंज करके दे दो। देखने में पढ़े लिखे लगते हो, कमा कर नहीं खा सकते? सर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे पास कार्ड पैसा सब है, मगर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए राशन की दुकान में चोरी करने गया था सर। क्या होगा? ए, चलो ना। अरे यहाँ खाए इतने दिन हो गए और तुझे इसकी पड़ी है? क्या बात अंकल जी, टॉयलेट तो बहुत साफ है। यूज नहीं होगा तो साफ ही रहेगा ना, चल। जनता को परेशान करके किसानों के साथ खड़ा रहने वाला वो व्यक्ति कौन है? पैदा हुआ भारत में और बड़ा हुआ विदेश में, आते ही किसानों को सपोर्ट करने का आखिर कारण क्या है? चलिए उन्हीं से पूछते हैं। हमारे स्टूडियो में है शिवराज। नहीं आना चाहते? ठीक है, उनके हाथ में फोन दो। ओके सर, सीएम सर आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते सर। क्या आप तुम सिटी में नहीं आओगे? सॉरी सर, जब भी किसान सिटी में आता है तो उस पर लाठी चार्ज करके, गोलीबारी करके उसका अपमान किया जाता है। मतलब तो तुम्हारे हिसाब से सरकार को तुम्हारे पास जाना चाहिए? समस्या जब हमारी थी तब हम लोग आपके पास आए थे, अब समस्या आपकी है तो अब आपको हमारे पास आना चाहिए। सर सिर्फ आप अकेले ही नहीं, आप, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, सभी को आना होगा। ब्रेकिंग न्यूज, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। अनाज की समस्या को दूर करने के लिए सरकार रामपुर गई है, किसानों के आगे सर झुकाने वाली सरकार। अब देखते हैं शिवराज की सरकार से क्या डिमांड है। नमस्ते सर। नमस्ते, क्यों कर रहे हो ये सब तुम? तुमने जो कुछ भी किया है उससे कितने करोड़ का नुकसान हुआ जानते हो? शहर के लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है तुम में? ऐसा है तो किसान इंसान नहीं है? उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती? Hey! आखिर तुम चाहते क्या हो? सर आपकी नजरों में किसान का क्या मतलब है? सबके जैसा, वो जो जानते हैं वही करते हैं। क्या मतलब? मतलब
मटका बनाने वाला कुम्हार, लोहे का सामान बनाने वाला लोहार, कपड़ा धोने वाला धोबी, जूता सिलने वाला मोची, उसी तरह खेती करने वाला किसान। मटके की मिट्टी किसानों की जिंदगी है, किसानों का औजार किसानों की मुख्य चीज है, कपड़े किसानों ने ही पैदा किए हैं, मतलब इन सब में मुख्य तो किसान ही हुआ ना। हाँ समझ गए, अब डिमांड बताओ। मौसम के अनुसार किसान खेती करता है, इसलिए बीच में रहने वाले रेट नहीं फिक्स करेंगे। क्या फर्क पड़ता है, रेट ही चाहिए ना। ऐसा है तो हमारे पहनने के कपड़े, घूमने वाली कार, हमारी घड़ियां, इन सब के भी तो रेट फिक्स करो ना। चलो जाने दो, आपकी पगार भी तो आप मीटिंग करके डिसाइड करते हो ना, आपको जो जनता चुनती है उनसे क्यों नहीं पूछते। सो आज के बाद अनाज का जो भाव तय करेगा वो होगा किसान। पैदावार ज्यादा हुई तो कीमत कौन तय करेगा? अभी से हर जिले में अलग अलग खेती होगी, चावल, गेहूं, दाल, रुई, कपड़े, रेशम, क्या उगाना है इस बात का निर्णय किसान करेगा, और उनको किस भाव में बेचना है ये भी किसान ही तय करेगा। इसलिए पानी की सारी व्यवस्था कृषि मंत्री को ही अरेंज करनी है, नहर का पानी साफ करना और उसे खेतों तक पहुंचाना और सारे गांव में उसकी व्यवस्था करना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का काम होना चाहिए। वो सब हम लोग क्यों करें जी, एमएलए है ना वो करने के लिए। देखिए जिला पंचायत, गांव की पंचायत, तालुका पंचायत में पानी नहीं मिलता है, सबको पानी देना होगा। स्वच्छ भारत का मतलब टॉयलेट बांध कर क्लीन करके झाड़ू मारना नहीं होता, साथ में ये भी करना होगा जैसे कि खेत की फसल जिला मार्केट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकारी सचिव जी आपकी है। ऐसा है तो आरएमसी एपीएमसी को टूरिस्ट प्लेस बना दे क्या? एपीएमसी यार्ड में किसान को खुद ही आना होगा। अभी से कोई भी किसान वहां नहीं आएगा, दलाल खुद किसानों की जगह आके लेके जाएगा। नो मेडिएटर्स। नेक्स्ट, किसानों की लाइफ का इंश्योरेंस नहीं होगा, इसमें बहुत खर्चा आएगा। सभी डिपार्टमेंट में पीएफ और ग्रेच्युटी के साथ छुट्टियों के लिए भी सैलरी मिलती है, पे कमीशन के हिसाब से सैलरी भी ज्यादा होगी। इनमें से किसी ने 1% भी किसानों को दिया है क्या? देखो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट इस समय तुम्हारे सामने है, खुद ही डिसाइड कर लो। सीएम साहब, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके साथ है, आप डिसाइड तो कर लो। और आज के बाद बीजों को किसान ही बचा कर रखेंगे। आज से 3 साल तक खाद और दवा सप्लाई करने वाली सारी की सारी दुकानें बंद। अभी से कुछ भी होने दो, जैविक खेती होगी, ऑर्गेनिक। बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे जुड़ी हुई हैं, तो उनका क्या करेंगे? क्या होगा पता? किसानों की पैदा की हुई फसल गवर्नमेंट को देनी है, ऐसा एग्रीमेंट है क्या? नहीं है ना, सोच लो, अभी से भूखा मरने वाला किसान नहीं होगा। हाँ सोच लेंगे। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मल्टीनेशनल कंपनी, फैक्ट्री और भी बहुत कुछ। ग्रीन बेल्ट मतलब पहाड़ों के पास रहने वाली जमीनों पर कोई कब्जा नहीं करेगा, चाहो तो खराब लैंड दे दो ना। वो लोग नहीं माने तो? फ्री में दे रहे हो, नहीं माने तो छोड़ दो। नौजवानों के लिए क्या काम? कृषि को इंडस्ट्री के नाम से अनाउंस करो, कितनी फॉरेन कंट्रीज ने किया है। इसके लिए किसानों के बेटों को मारना होगा? इस काम के लिए किसानों की इज्जत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या हम किसानों को भगवान मानकर उनकी पूजा करें? तो गलत क्या है, किसान देश की रीढ़ है, इस प्रकृति को भगवान मानकर पूजा करने वाला देश है हमारा। इसलिए तो सूर्य नमस्कार करते हैं, भूमि पूजा करते हैं, पहली बारिश गिरते ही हल्की पूजा करते हैं। ऐसे पूजा करने वाले किसानों को भगवान मानना गलत बात है? और कुछ नहीं है ना? है ना, लोन देने वाली बैंक्स किसानों की इज्जत की धजियां ना उड़ाएं। 24 आवर्स पावर रहनी चाहिए और उसमें भी 12 घंटे डबल फेज, वो भी डे टाइम में। दिया है ना एमएनसी कंपनी को पावर, दिया है ना, तो दे दो। लैंड फ्री, टैक्स फ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री, पावर फ्री, कितने दिनों तक? थोड़े दिन रोक दो, किसानों को दे दो। पहले गरीबों पर दबाव कम करो, उन बेचारों को 1 रुपए में 1 किलो चावल, ये भाग्या वो भाग्या कहकर किसानों के साथ धोखा करने से पहले रोको। 60 रुपए तक का चावल खाने के लिए किसानों का स्वाभिमान बढ़ाओ। और कुछ भी है क्या? किसानों का दिन, फार्मर्स डे। अब ये क्या है, इससे क्या होगा? सिटी में रहने वालों के लिए फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हो, तो फार्मर्स डे क्यों नहीं? वोट देने के लिए तो लोग दूर दूर गांव से आते हैं, तो किसानों के लिए एक दिन हल नहीं पकड़ सकते हो क्या? किसानों का भी एक दिन होना चाहिए, यही है हमारी समस्या। बोलिए कब इन सबको सॉल्व करेंगे? हम इसे कैबिनेट में रखेंगे, उस पर चर्चा करने के बाद ही बताएंगे। कितने दिन चाहिए आपको? सेशन बुलाई जाएगी, फिर दोनों हाउस में बातचीत होने के बाद ही। कितने दिन चाहिए? तकरीबन 2 महीने। तब तक आप लोग भूखे ही रहेंगे। ये तो तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, देखो बिल पास होने के बाद ही होगा। यू आर राइट, जब इलेक्शन नजदीक होते हैं तो जो भी समस्या होती है उसे आधे घंटे में पास कर देते हो, लेट नाइट भी सेशन चलाते हो। किसानों के लिए किसानों के बीच में ही रहकर फैसला होना चाहिए। क्या बात कही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
साइलेंस साइलेंस। ठीक है, वी विल डिस्कस। अब सभी मंत्री गण मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे। अब हमें ये देखना है कि किसानों की 12 डिमांड्स का उनके पास क्या जवाब है। राज्य के कोने कोने से किसानों के लिए आवाज उठती जा रही है। विद्यार्थी अलग अलग गैंग्स बनाकर शिवराज को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। साइलेंस साइलेंस। सर, इनके डिमांड्स की एक फाइल बनाकर ले। ओके सर। Raj is the chairman of this company. What has made him to become a farmer? Because he is a son of farmer. He is son of Dharti ka Supoot. फॉरन में रहने वाले शिवराज के अंकल ने किया खुलासा। शिवराज धरती के सपूत के ही बेटे हैं। भारतीय इतिहास में किसानों के सबसे बड़े मार्गदर्शक, जिन्हें हम लोगों ने कई सालों पहले खो दिया था। उनके बाद किसानों का कोई मार्गदर्शक नहीं था। ऐसे हालात में किसानों का मार्गदर्शक बनकर उनका ही बेटा आया है। हेलो, पक्की इन्फॉर्मेशन है सर? शिवराज धरती के सपूत के बेटे हैं। धरती के सपूत क्या बेटा है? किसानों के भगवान का बेटा। सर सर, किसानों की समस्या सुनकर उनके बीच में आकर उन्हें सॉल्व करने वाले आप पहले सीएम है सर। सर, शिवराज जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कोई भी डिमांड नहीं की है। इन्होंने जो कुछ कहा है सब किसानों के हित में ही कहा है। किसानों के लिए इतना सोचने वाला व्यक्ति मैं पहली बार देख रहा हूँ। किसानों को क्या तकलीफ है, उनके परिवार को क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ती हैं, ये समझाने का काम किया है इन्होंने सरकार को। इसलिए इनकी जो भी डिमांड है वो हमें स्वीकार है और हमने दस्तखत भी कर दिया। नमस्ते। राज्य में सारे किसानों में खुशी का माहौल है। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके पिता में जो गुण थे, उनका किसानों के लिए लड़ना, आंदोलन करना, उनके लिए खड़े रहना, ये सारे आदर्श आप में दिखाई दे रहे हैं। ये जनता आप में आपके पिता की छवि देख रही है। सही मायने में आप अपने पिता के सही उत्तराधिकारी हैं।